दोस्तों, फिल्म भूतनाथ को रिलीज हुए 14 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और इन कुछ सालों में बंकू यानी कि अमन सिद्दीकी का लुक भी पूरा बदल चुका है। फिल्म भूतनाथ साल 2008 में आई एक ऐसी फिल्म थी जिसे बच्चों से लेकर बड़ों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भूत बनकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था। अमिताभ बच्चन के साथ लोगों को फिल्म में अमन की भूमिका निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट अमन सिद्दीकी का रोल भी खूब पसंद आया था। फिल्म में उन्हें प्यार से बंकू बुलाते थे। फिल्म को रिलीज हुए 14 सालों से भी अधिक का समय हो चुका है और इन सालों में अमन सिद्दीकी का लुक भी पूरा बदल गया है। अमन सिद्दीकी की जो लेटेस्ट फोटो सामने आई है उसमें वे एक खूबसूरत सी जगह पर दीवार पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उसमें उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखा है। इसमें अमन सिद्दीकी का काफ़ी यंग और हैंडसम लुक नज़र आ रहा है। कई लोगों ने इस फोटो को देखने के बाद एक्टर को पहचानने से इनकार कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमन कुछ ही सालों में एकदम गबरू जवान बन चुके हैं। ऐसे में अगर उन्हें लोग पहचान नहीं पाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिल्म भूतनाथ में अमन और अमिताभ के बीच की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था। खासकर अमन की क्यूटनेस लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके बाद भूतनाथ रिटर्न भी आई थी लेकिन इसमें अमन सिद्दीकी नज़र नहीं आए थे। इसके बाद अमन को साल 2013 में शिवालिक नाम की एक फिल्म में देखा गया था। ये बात और है कि पहचान उन्हें भूतनाथ में बंकू का रोल निभा करके ही हासिल हुई है।